आज की इस वीडियो में कंपेयर करने जा रहे हैं बॉलीवुड के दो ताबड़तोड़ सुपरस्टार, यानी कि एक तरफ है बॉलीवुड के रिवेंजर टाइगर श्रॉफ और दूसरी तरफ है दोस्तों वर्ल्ड के सिक्स्थ रैंक के मार्शल आर्टिस्ट या फिर कह लें इंडियन बेस्ड मार्शल आर्टिस्ट द कमांडो ऑफ बॉलीवुड विदु जामवाल। साथ ही साथ दोस्तों जानेंगे बॉडी बिल्डिंग हो, एक्शन कंपैरिजन हो, स्टंट हो, स्किल हो या फिर डांसिंग, इन सारे फील्ड में कौन है बेहतर, कौन है इन दोनों में से नंबर वन। और आपको देखना है दोस्तों ये वीडियो पूरा का पूरा और वोट करना है आपको आपके फेवरेट स्टार का नाम कमेंट बॉक्स में। अगर टाइगर श्रॉफ के फैन है तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में टाइगर श्रॉफ लिखें, या फिर अगर विदु जामवाल सर के फैन है तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें विदु जामवाल। यानी कि दोस्तों वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार, तो आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लाइक का बटन दबा करके। और दोस्तों अब कंपैरिजन करने वाले हैं एक्शन के बारे में, जहां पर आपने टाइगर श्रॉफ की एक्शन भरपूर फिल्में देखी होगी, जहां पर एक एक फिल्म में टाइगर श्रॉफ एक से बढ़कर एक स्टंट खुद ब खुद परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब बात आती है विदु जामवाल सर की, चाहे हो ऑन स्क्रीन या फिर कहो ऑफ स्क्रीन, इन दोनों प्लेटफॉर्म पर ऐसे अजब गजब स्टंट ये कर जाते हैं जो कि दूसरे बॉलीवुड एक्टर्स सोच भी नहीं सकते। चाहे हो बोतल ग्लास के ऊपर डिप्स मारना या फिर एक से बढ़कर एक एक्शन स्टंट एंड पार्कोर जंप परफॉर्म करना, ये टाइगर श्रॉफ एंड विदु जामवाल सर से बेहतर शायद ही बॉलीवुड में कोई बेहतर परफॉर्म कर सकता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में, जहां पर बेशक टाइगर श्रॉफ हर एक फिल्म में अपने स्टील बॉडी के साथ नजर आते हैं और हर किसी के होश उड़ा देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों टाइगर श्रॉफ 6 to 8 एब्स के साथ अपने फिल्मों में नजर आते हैं और दर्शक पसंद करते हैं टाइगर श्रॉफ को ऑन स्क्रीन बड़े पर्दे पर स्टील बॉडी में नजर आना। दूसरी तरफ दोस्तों विदु जामवाल किसी से कम नहीं, 3 साल की उम्र से ही ये मार्शल आर्ट परफॉर्म करते आ रहे हैं। इनकी बॉडी मार्शल स्टील्स की है। सिर्फ और सिर्फ ये फिल्मों में ही नहीं दोस्तों, बल्कि अपने YouTube चैनल पर भी एक से बढ़कर एक वीडियोस दे चुके हैं और अपने बॉडी का मुजाहरा दिखा चुके हैं एंड 6 एप्स के साथ ये नजर आते हैं। और दोस्तों अब कंपैरिजन करने वाले हैं डांसिंग के बारे में, जहां पर हमारे विदु जामवाल सर अच्छे खासे डांसिंग स्टेप एंड रोमांटिक सीन परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन टाइगर श्रॉफ है डांसिंग के मामले में विदु जामवाल सर से एक कदम आगे। ये अपने मार्शल आर्ट स्किल हो, अपने पार्को स्टंट जंप हो या फिर कहें अपने स्टाइलिश डांसिंग टैलेंट बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं अपने डांस में। साथ ही साथ हिप हॉप हो, मॉडर्न डांसिंग हो या फिर ब्रेक डांसिंग हो, जो कि बड़े आसानी से ये परफॉर्म कर जाते हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट डांसर ऑफ बॉलीवुड के खिताब के साथ नवाजे जाते हैं। बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में, जहां पर टाइगर श्रॉफ की डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 1990 एंड विदु जामवाल सर की डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 1980। दोस्तों बात करें एज की, जहां पर टाइगर श्रॉफ की एज है 30 ईयर्स एंड विदु जामवाल सर की एज है 40 ईयर्स इन 2021। बात करें दोस्तों फुल नेम या फिर रियल नेम या फिर कहें निक नेम, जहां पर टाइगर श्रॉफ का असली नाम है जय हेमंत टाइगर श्रॉफ और इनका निक नेम है टाइगर। दूसरी तरफ दोस्तों विदु सर का असली नाम है विदु जामवाल, ये बिलोंग करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। इनका निक नेम है सिंगू। और दोस्तों अब बात करने वाले हैं हाइट के बारे में, जहां पर टाइगर श्रॉफ की हाइट है 5 feet 9 inch एंड हमारे विदु जामवाल सर की हाइट है 5 feet 11 inch। बात करें दोस्तों वेट के बारे में, जहां पर टाइगर श्रॉफ की वेट है 70 kg एंड विदु जामवाल सर की वेट है 75 kg। दोस्तों बात करें गर्लफ्रेंड्स की, जहां पर टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड है दिशा पाटनी एंड विदु जामवाल सर की गर्लफ्रेंड रह चुकी है मोना सिंह। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं प्रोफेशन के बारे में, जहां पर टाइगर श्रॉफ है एक एक्टर, डांसर, बॉडी बिल्डर, स्टंट परफॉर्मर, मार्शल आर्टिस्ट, जिम ट्रेनर, फुटबॉल प्लेयर एंड
स्टाइलिश प्लेबैक सिंगर मॉडल। दूसरी तरफ दोस्तों विदु जामोल सर है एक ताबड़तोड़ एक्टर, बॉडी बिल्डर, जिम ट्रेनर, वर्ल्ड सिक्स रैंक मार्शल आर्टिस्ट, इंस्पिरेशनल आइडल मॉडल। यानी कि दोस्तों दोनों के दोनों सुपरस्टार हैं, मल्टी टैलेंटेड सुपरस्टार्स। और दोस्तों अब बात करने वाले हैं डेब्यू मूवीज के बारे में, जहां पर 2014 में हीरोपंती के साथ बॉलीवुड में टाइगर श्रॉफ ने डेब्यू किया, और उसके करीब करीब एक साल पहले ही हमारे विदु जामोल सर ने बॉलीवुड में एज अ लीड एक्टर कमांडो मूवी के साथ 2013 में डेब्यू किया। और दोस्तों बात करें टोटल्स मूवीज के बारे में, जहां पर टाइगर श्रॉफ ने एटलीस्ट 8 मूवीज में काम कर चुके हैं एंड विदु जामोल सर एटलीस्ट 13 मूवीज में काम कर चुके हैं। इनमें से बात करें दोस्तों फ्लॉप मूवीज के बारे में, जहां पर टाइगर श्रॉफ की 3 फिल्में एंड विदु जामोल सर की भी 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। बात करें हिट मूवीज की, जहां पर मुकाबला है कड़ा, टाइगर श्रॉफ की भी 3 एंड विदु जामोल सर की भी 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। बात करें सुपर हिट मूवीज की तो कड़ा मुकाबला है टक्कर का, टाइगर श्रॉफ ने बॉक्स ऑफिस पर 2 सुपरहिट फिल्में एंड विदु जामोल सर ने भी 2 सुपरहिट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जड़ चुके हैं। बात करें दोस्तों ब्लॉकबस्टर मूवीज के बारे में, जहां पर टाइगर श्रॉफ ने 2 एंड हमारे विदु जामोल सर ने 1 ब्लॉकबस्टर मूवीज बॉक्स ऑफिस पर दे चुके हैं। और दोस्तों अब बात करने वाले हैं सैलरी पर मूवीज, एक फिल्म में काम करने के लिए हमारे स्टार्स कितने रुपए चार्ज करते हैं, जहां पर टाइगर श्रॉफ सैलरी पर मूवीज इज 15 करोड़ एंड दूसरी तरफ हमारे विदु जामोल सर एक फिल्म में काम करने के लिए लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। बात करें दोस्तों अवार्ड्स के बारे में, फिल्म फेयर टाइगर श्रॉफ ने 1 एंड विदु जामोल सर ने भी 1 फिल्म फेयर अवार्ड के खिताब के साथ नवाजे जा चुके हैं। और दोस्तों अब बात करने वाले हैं नेटवर्थ के बारे में, जहां पर टाइगर श्रॉफ की नेटवर्थ है $15 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा होते हैं। दूसरी तरफ हमारे विदु जामोल सर की नेटवर्थ है $2 से $5 मिलियन, जो कि लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा होते हैं। और दोस्तों अब बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवीज के बारे में, जहां पर टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग मूवीज है हीरोपंती 2 एंड गणपत। दूसरी तरफ हमारे विदु जामोल सर की अपकमिंग मूवी है सनक। बात करें दोस्तों रिसेंट मूवीज के बारे में, जहां पर हमारे टाइगर श्रॉफ की रिसेंट मूवी थी बागी 3, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 150 करोड़ से ज्यादा का रहा। दूसरी तरफ हमारे विदु जामोल सर की रिसेंट मूवी थी खुदा हाफिज, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। और अगर ये मूवी हमारे सिनेमा घरों में रिलीज होती तो ये आसानी से लगभग 100 करोड़ पार कर जाती। और दोस्तों अब बात करने वाले हैं फैन फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों FB पेज के बारे में, जहां पर टाइगर श्रॉफ के FB पेज पर 27 मिलियन फॉलोअर्स इन्हें फॉलो करते हैं। विदु जामोल सर के FB पेज पर लगभग 6 मिलियन फॉलोअर्स इन्हें फॉलो करते हैं। और दोस्तों अब बात करने वाले हैं फैन फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम, जहां पर टाइगर श्रॉफ के इंस्टाग्राम पर लगभग 30 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। और दूसरी तरफ विदु जामोल सर के इंस्टाग्राम पे लगभग 6 मिलियन फॉलोअर्स उन्हें फॉलो करते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि आप सभी के लिए ऐसे ही बेहतरीन एंड दमदार कंपैरिजन वाले वीडियोज हम आगे भी लाते रहने वाले हैं। और अभी तक आपने आपका फेवरेट एक्टर का नाम कमेंट नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में टाइगर श्रॉफ या फिर विदु जामोल जरूर से लिखना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप सभी से मुलाकात होगी दूसरी बड़ी वीडियो में। चलता हूँ दोस्तों, गुड बाय।